अस्सलाम वालेकुम। आज हनीफ सुलेमान आपके सामने बजात खुद मौजूद है। मेरा सफ़र कराची ता खुंजराब और खुंजराब ता खुंजराब से वापसी में सवात और कालाम का भी सफ़र और इससे आगे जो सफ़र है, उस सफ़र के दौरान मैंने कई मनाजिर अक्सबंद किए हैं और उस अक्सबंदी को मैं आप सबके सामने गाहे बगाहे वीडियो की सूरत में पेश करता रहूँगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके मेरे साथ ताउन करें, और अगर ये वीडियोस जो मैं आपके सामने गाहे बगाहे पेश करूँगा वो अगर पसंद आएँ तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और दूसरी बात यह है कि इन वीडियोज़ को जो गाहे बगाहे आपके सामने पेश करूँगा उसको देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको भी महसूस हो कि अल्लाह ने इस कायनात में क्या कुछ नहीं बनाया, हमारे इस मुल्क को क्या कुछ नहीं दिया, बस हम इसके कदरदान बन जाएं। जज़ाकअल्लाह। हम इस वक्त पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम में हैं। ये लोक वर्षा है पाकिस्तान की सकाफत का। देखें, ये एक पंडित, उसका मुजस्मा है, यानी यहाँ हर रंग है, हर मज़हब। ये हमारे तारीख के हुक्मरान, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम शेर शाह सूरी, सुल्तान महमूद गजनवी, और ये ज़हीरुद्दीन, ये मुगलिया दौर की अक्कासी कर रहा है ये मुजस्मे। ये किसी बेटी की है, मुगलिया दौर के बादशाह जफर, और ये कोई और शख्सियत हैं जिनका मुझे समा है। ये पहली जंग आज़ादी की तस्वीर कशी की गई है, ये अंग्रेज़ है और ये जंग आज़ादी का एक सिपाही, सर सैयद अहमद खान, उनका मुजस्मा भी बनाया गया है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद इन्होंने ही रखी, और ये सर सैयद अहमद खान से मुताल्लिक कुछ तहरीर किया गया। ये अल्लामा इकबाल हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल बैठे हैं, ये इनके घर में अपने सियालकोट में तशरीफ रखे हुए हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एड्रेस कर रहे हैं किसी तकरीब से, उनका मुजस्मा। ये तमाम अशिया अल्लामा इकबाल के हवाले से यहाँ रखी गई हैं जो अल्लामा इकबाल के मिल्कियत में थी। ये अल्लामा इकबाल का हुक्का, ये इनकी कुछ तहरीरें हैं। ये विक्टोरियन टाइप का सोफ़ा, ये खुद बाय सदारत जो उन्होंने तहरीर किया, ये अल्लामा इकबाल की चेयर, ये इनकी किताबें जो इनके इस्तेमाल में थी, ये अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक कुछ तहरीर, ये कुर्सी, और ये पाकिस्तान सोचने का, पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं।
मेरी लाहौर की बादशाही मस्जिद, यहाँ पर कायदे आज़म के नवादरात रखे गए हैं। ये कायदे आज़म का सोफा सेट, ये मेज़ है, इनकी अलमारी है छोटी सी, ये कायदे आज़म की, और ये इनकी लॉ से मुतालिक किताबें जो कि इनके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं, वो किताबें इन्होंने यहाँ पे रख दी हैं जो कानून से मुतालिक है, क्योंकि कानून कायदे आज़म एक लॉयर थे, वकील थे। कायदे आज़म तशरीफ़ फरमाएं अपने सोफे पर, कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल ये रहने वाला लकड़ी का ये संदूक है, कायदे आज़म की तस्वीर, और ये इनकी शेरवानी, ये भी कायदे आज़म की शेरवानी। कायदे आज़म एड्रेस कर रहे हैं और इनके पीछे पता नहीं कौन है, नाम बहुत दूर हैं इसलिए पढ़े नहीं जा रहे। ये गांधी जी, कायदे आज़म, ये कायदे आज़म से चंदा मांग रहे हैं। ये सरदार निश्तर, मोहम्मद अली खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिना, ये माउंट बैटन और सरदार बलदेव सिंह सर, पीछे कौन खड़ा ये पता नहीं। ये इनकी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के हवाले से। ये सिंधी सकाफत की अक्कासी हो रही है, आटा गूंदा जा रहा है, रोटी पकती है तो खाना खाते हैं भी। और ये इनकी किताबें, ये इनका स्टडी रूम है, ये कायदे आज़म और इनकी बहन फातिमा जिना, ये किस इन माप से दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत है। और ये इनका ड्राइंग रूम लग रहा है, कायदे आज़म एड्रेस कर रहे हैं और इनके पास माउंट बैटन बैठे हुए हैं। एक बीबी नाइशले बैठी हुई है और ये फातिमा जिना है। ये लियाकत अली खान पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं।